ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं, कुंडली के दूसरे, पांचवे, नौवे, दसवें और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। और देवों के जितने भी ग्रह होते हैं उन सभी के देवता माने जाते हैं। इवन सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं उनसे भी बढ़कर बृहस्पति देवता को माना जाता है, कि कहीं पर लिखा भी हुआ है कि राजा से भी ज़्यादा पूजनीय अगर कोई होता है तो वो गुरु होते हैं, वो किसी के भी गुरु हो। अब ये देवताओं के गुरु हैं, सूर्य, मंगल, चंद्र, जितने भी नवग्रह हैं सभी के ये देवता बन जाते हैं। राहु केतु हालांकि दैत्य हैं, शैडो प्लैनेट है, उसकी बात भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन जितने भी देवता वाले प्लैनेट हैं उन सभी के ये गुरु माने जाते हैं। और गुरु इस बार जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं 1 मई 2024 को। नक्षत्र रहेगा कृतिका नक्षत्र और सीधा 12 अगस्त एक ऐसा डेट आएगा जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति को बहुत आनंद मिलता है। हालांकि जोडियक देखा जाएगा साइन तो शुक्र की राशि, यानी राशि वाइज देखा जाए तो ये शुक्र की राशि है और शुक्र की जो राशि होती है उसमें बृहस्पति देवता के लिए शुक्र शत्रु हैं, लेकिन शुक्र के लिए देखा जाए तो बृहस्पति न्यूट्रल माने जाते हैं। इसी तरीके से बृहस्पति देवता जो हैं बुध को भी शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध देवता बृहस्पति को कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। तो देवता से किसी की भी दुश्मनी डायरेक्टली नहीं है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ बुध और शुक्र के बारे में। ना ही बुध बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, ना ही शुक्र बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, मित्र भी नहीं मानते हैं, उदासीनता के तरीके से देखते हैं। 20 अगस्त को मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति का राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन होगा और उसके बाद 9 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहाँ पर बृहस्पति देवता वक्री हो जाएंगे, पीछे चलने लगेंगे, रहेंगे वृषभ में ही और वहीं पर वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर को ये फिर रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, फिर मार्गी होंगे और फिर अंत में 14 मई 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन में चले जाएंगे। कुछ युतियां भी यहाँ पर बनेगी, उस युतियों को भी आप समझिएगा। बृहस्पति देव के साथ 14 मई को सूर्य और बृहस्पति का कंजंक्शन होगा, युति बनेगी, दोनों साथ में हो जाएंगे। 19 मई को सूर्य बृहस्पति और शुक्र की युति होगी। 31 मई को बृहस्पति सूर्य बुध और शुक्र इन चतुष्ग्रह का एक साथ युति होगा और 12 जुलाई को मंगल और बृहस्पति की युति होने वाली है। 13 अक्टूबर को बृहस्पति शुक्र का समसप्तक योग बनेगा और 29 मार्च 2025 को मंगल अपने नीच राशि में रहेंगे। इन सभी चीज़ों को देखकर कुछ पॉइंट ज़रूर यहाँ पे निष्कर्ष निकालना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि बृहस्पति को आप ये आधार मान लीजिए कि वृषभ में और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दे दीजिए, बाकी जो भी ग्रह चेंज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में भी जो चेंज होगा उसको भी हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, कर्क लगन में बृहस्पति देव को बहुत ही अच्छा स्थान मिला हुआ है। नवम त्रिकोण के मालिक है बृहस्पति देव, 9th हाउस यानी नवम त्रिकोण जो था उसके मालिक बृहस्पति देव हैं और साथ में षष्ठेश भी हैं, कंपटीशन के भी मालिक हैं। हमेशा छठवां घर जो है लीगल को नहीं मान सकते हैं, कंपटीशन भी होता है, लीगल केस तो होता ही है लेकिन साथ में कंपटीशन भी होता है। बृहस्पति देव कहाँ पर जाने वाले हैं? अब दशम स्थान से ही निकल के पहुँचेंगे आपके एकादश स्थान पर, इनकम पहुँचेंगे। अब रफली तो आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, भाग्य का मालिक होकर इनकम में जा रहे हैं तो भाग्य से इनकम का बढ़ना निश्चित रूप से फिक्स्ड है। भाग्य के कारण आपकी इनकम में वृद्धि हो के रहेगी।
क्या क्या चीज़ें आपको फायदा या पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि कर्क लगन एक ऐसा लगन बन रहा है जिसमें निगेटिविटी बहुत कम है, पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा है। और रीज़न भी आपको बताते चल रहा हूँ, भाग्य का मालिक इनकम में, इनकम का मालिक भाग्य में, तो वैसे ही भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। साथ में बृहस्पति यहाँ पर पराक्रम को देखेंगे, मेहनत को देखेंगे, तो आपके मेहनत का रिजल्ट पूरी दुनिया मानने लगेगी, पूरे आपके आसपास के लोग मानने लगेंगे। तो अगर आपने इस समय मेहनत अच्छा किया, इस दौरान मेहनत अगर आपने अच्छा किया तो रिज़ल्ट आपको अच्छा होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन नेम फेम बढ़ना तय है और नेम फेम बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का जो सहयोग रहेगा वो भी आपको अच्छा मिलेगा। मित्र रिश्तेदार सभी इस समय आपको सहयोग करने वाले सिद्ध होने वाले हैं। शत्रु पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं सिक्स हाउस के लॉर्ड यहाँ बनते हैं, इनकम में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर कोई लीगल काम आपके ऊपर चल रहा है, लीगल मामले में फंसे हैं, तो बहुत जल्दी ये सॉल्व होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। संतान के स्थान पर बृहस्पति देखेंगे तो संतान से सुख की प्राप्ति बढ़ेगी, प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़ेगा और साथ में विद्या बुद्धि यानी स्टडी जो लोग करते हैं, जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, जो लोग लगातार पढ़ाई करते हैं, ऐसे सभी वर्गों के लिए कर्क लगन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आने वाले हैं। एक परेशानी ज़रूर है जिसको आपको थोड़ा सा रेमेडी करके सॉल्व कर लेना चाहिए। सप्तम स्थान को बृहस्पति नीच दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ स्त्री का जो सुख है वो थोड़ा कम में मिले, स्त्रियों से कष्ट हो या स्त्री से कष्ट हो, आपके जीवन साथी को कष्ट हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए। और जो लोग सर्विस करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कि डेली कमाते हैं तो ऐसे दैनिक रोजगार वाले लोगों के लिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना भी यहाँ पर कर्क लग्न में करना पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।